नमस्कार, न्यूज बल में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की तमाम खबरों के साथ मैं राजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक साथ 24 घंटे के भीतर 95 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में फूटा कोरोना बम, एक साथ मिले 95 कोरोना के मरीज। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंच गई है 122। प्रदेश में 5000 से अधिक मरीज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब हमसे सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से जो कोरोना का कहर है यूपी में अब तेज होता दिख रहा है, और बाराबंकी में जिस तरह से 95 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 24 घंटे के भीतर, और जो आंकड़ा है यूपी का वो 5000 के पार पहुंच चुका है। राजेश, निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की पेशानी पे बल डाल रहा है। और जिस तरह से अभी बाराबंकी में 24 घंटे में 95 मरीज पाए गए हैं, तो जानकारी में आया है कि ये प्रवासी मजदूर के रूप में आए थे और वो कोविड-19 से ग्रसित थे। इसी तरह अगर हम आजमगढ़ की बात करें, बस्ती की बात करें, उसके साथ साथ आगरा, कानपुर, सहारनपुर, ये जो तमाम जनपद हैं, ये पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव से मरीजों से बढ़ोतरी लगातार इनमें हो रही है। ये सरकार की चिंता का विषय है। आज खुद योगी आदित्यनाथ लगातार पहले की तरह टीम 11 के साथ लगातार उन्होंने बैठक की, दिशा निर्देश दिया कि किस तरह से कोविड-19 से लड़ा जाए, क्या सुविधाएं और बढ़ाई जाएं। प्रवासी मजदूरों का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आना है, वो भी लगातार सुचारू रूप से हो, उनकी जांच हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये संक्रामक रोग का जो दायरा है वो इतना धीरे धीरे बृहद होता जा रहा है कि सरकार पूरी जतन और कोशिश कर रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि किस तरह इसको नियंत्रण में लाया जाए। उसी भी जनपदों से कभी भी रिपोर्ट आ जा रही है कि इतने मरीज बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में मरीजों की बढ़ने की संख्या काफी धीमी थी, और इसके लिए अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि आप जांचों की संख्या को बढ़ाया जाए। 6,500 से अधिक जांचें इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तकरीबन 10,000 जांचों की मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में 10,000 जांचें रोज की जाए, जो अभी तक नहीं हो पाई। सरकार को और इंतजाम करने पड़ेंगे। अगर मरीजों की संख्या राजेश बढ़ती है जी, तो इनको आइसोलेशन बेड जी और जो सुविधाएं हैं मरीजों जी, ये निश्चित रूप से बढ़ानी पड़ेगी जी। 125 से तक मरीज जो है अब तक उत्तर प्रदेश में काल के गाल में जा चुके हैं जी, की मौत हो चुकी जी। ये भी जो है एक सेटबैक है यूपी के लिए, और सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि तकरीबन 20 से 25 लाख प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लेना है जी। फिर उनको किस तरह से भट्ट साहब, एक बड़ा सवाल, भट्ट साहब बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, जैसे ही जो प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में आते हैं, यूपी के यूपी में आए, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में आए, अगर हम बात की जाए तो जब सरकार को मालूम था, प्रशासन को मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को आना है, तो उसके लिए और उसी के चलते मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है कि प्रवासी मजदूरों के आने से जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए, उसके लिए सुरक्षा क्यों नहीं अपनाई गई, क्यों उनकी जांच नहीं हुई, क्योंकि इसकी वजह से खतरा बड़ा है भट्ट साहब। और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रवासी मजदूर आए हैं, उससे कोरोना का जो मीटर है मुझे लगता है और तेजी के साथ बढ़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से राजेश, बिल्कुल सही संकेत है जो आपने संकेत दिए हैं, इसका मीटर बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये साफ देखने को मिल रहा है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनसे संक्रामक रोगों की संख्या बढ़ रही है और लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है और लगातार मुख्यमंत्री इस पर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इंतजाम की जहां तक आपने बात कही है, ये बिल्कुल सही है कि जो इंतजाम होने चाहिए थे प्रवासी मजदूरों की, जो स्कैनिंग, उसके साथ साथ उनको क्वारंटीन, फिर उसके साथ साथ उनकी स्वैब से जांच,
अगर एक मरीज यानी कि एक अगर प्रवासी मजदूर को कोविड 19 का इफेक्ट है, अगर वो कोविड 19 से ग्रसित है और वो अपने गांव चला जाता है, वहां 100 लोगों से मिलता है, 200 लोगों से मिलता है, तो पूरा गांव संक्रमित हो जाएगा। ये सरकार को समझना चाहिए और एक एक मजदूरों की स्कैनिंग करके जांच करके तभी उनको घरों के लिए छोड़ना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है राजेश कि सरकारों के पास इतने बड़े संसाधन मौजूद नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आबादी है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रवासी मजदूरों का आगमन हो रहा है, आज ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकरीबन 20 से 25 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आरसी भट्ट साहब, हमसे सीधे लखनऊ से हमारे स्टेट एडिटर हमसे जुड़े थे और जो कुछ स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में है पूरा अपडेट वो हम तक न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो जिस तरह से जो कोरोना मीटर है उत्तर प्रदेश में वो काफी तेजी से बढ़ा है और बाराबंकी में पिछले 24 घंटों में 95 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं।